हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी नाश्ता जिसे हम ब्रेड से बनाकर तैयार करेंगे। और आप इस नाश्ता को एक बार बना लेंगे ना, तो जब भी घर पे कोई गेस्ट आए या जल्दी में कोई नाश्ता बनाना हो तो आप इसे ही बनाएंगे। बहुत सिंपल तरीके से बहुत ही कम समय में नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर हम 6 से 7 ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। यहाँ पर हम व्हाइट वाली ब्रेड लिए हैं, आप व्हाइट के जगह पर ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। और अब हम इस ब्रेड के इस तरह से इसे किनारे को कट कर लेंगे, यानी कि ब्रेड के जो ब्राउन वाला पार्ट है ना उसको हटा लेंगे। और इसी तरह से हम सभी ब्रेड को कट करके तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर इसी तरह से हम सभी ब्रेड के किनारे को कट कर लिए हैं। और ये देखिए, सभी ब्रेड हमारा रेडी हो गया है। और यहाँ पर जो ब्रेड के किनारे हम कट करके रखे हैं ना, यानी कि इसके साइड वाला पार्ट, उसको फेंकेंगे नहीं, इसका ब्रेड क्रम्स बनाने में यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब इस ब्रेड को हम लेकर चलते हैं नाश्ता बनाने के प्रोसेस में। तो अब हम क्या करेंगे, इस ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़े में इस तरह से तोड़ लेंगे। जितने छोटे छोटे पीसेस में आप तोड़ सकते हैं उतने छोटे छोटे पीसेस में इसको इस तरह से तोड़ लेना है। तो ये लीजिए, इसी तरह से हम सभी ब्रेड को तोड़ लिए हैं और अब ब्रेड हमारा यहाँ पर तैयार है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार ही डालिएगा। और इसी के साथ इसमें हम 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल दिए हैं। कॉर्नफ्लोर नहीं है तो इसके जगह पर आप इसमें मैदा डाल सकते हैं। और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालेंगे, यानी कि 2 से 3 चम्मच पानी डालना है। एक बार में नहीं डालिएगा, थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर पानी के छींटा लगाना है। और इस तरह से मिलाते हुए इसका हमें एकदम सॉफ्ट सा डो लगाकर तैयार करना है। एक बार में पानी डालेंगे ना तो डो आपका गीला हो जाएगा। तो इस तरह से मिलाते हुए इसका हम डो लगा लेंगे। जैसे हम आटे के डो लगाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से इसका डो बनकर तैयार हो गया। आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ सा। तो अब हम क्या करेंगे, इस डो को ढक कर रेस्ट पर रख देंगे और इस नाश्ता के लिए स्टफिंग बना लेंगे। तो स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पर हम 150 ग्राम पनीर ले लिए हैं। और इस पनीर को हम यहाँ पे एक ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप मोटे छेद वाले ग्रेटर से इसे ग्रेट कीजिएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर इस पनीर को हम ग्रेट कर लिए हैं। और इसी के साथ इसमें हम 2 चीज़ के क्यूब भी ग्रेट करके डाल देंगे। अगर आप चीज़ नहीं डालना चाहते हैं तो बिना चीज़ के भी बना सकते हैं, लेकिन चीज़ डालेंगे तो बच्चों को ज़्यादा पसंद आएगा। तो यहाँ पर 2 चीज़ के क्यूब भी ग्रेट कर लिए हैं। तो अब हम इसी के साथ इसमें 2 चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिए हैं, 2 चम्मच बारीक कटा हुआ गाजर डाल दिए हैं और 2 चम्मच बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च डाल दिए हैं। आप चाहे तो इसमें बॉईल किया हुआ कॉर्न भी डाल सकते हैं। और साथ में ही हम इसमें स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाल दिए हैं। नमक ध्यान से डालिएगा, नमक चीज़ में भी रहता है और ब्रेड में भी हम नमक डाले हुए हैं तो उसी के अकॉर्डिंग नमक डालना है। इसी के साथ इसमें 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल दिए हैं और 1 छोटा चम्मच कूटा हुआ लाल मिर्च डाल दिए हैं, यानी कि चिली फ्लेक्स। और इसी के साथ 1 चम्मच इसमें हम ऑर्गेनो डाल दिए हैं। ऑर्गेनो नहीं है तो इसके जगह पर आप इसमें पिज्जा सीजनिंग भी डाल सकते हैं। और अब हम इन सभी चीज़ों को इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लें। इसके बाद इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ फ्रेश धनिया पत्ता डाल देंगे। और धनिया पत्ता डालने के बाद इसको इस तरह से अच्छे से मिला लेंगे। धनिया पत्ता अगर नहीं है तो इसके बिना भी आप इसे बना सकते हैं। तो ये देखिए, स्टफिंग हमारा तैयार हो गया है। तो इसको हम साइड में रखेंगे और यहाँ पर जो डो हम रखे थे रेस्ट पर उसका ढक्कन हटा लेंगे। और ये देखिए, डो अच्छे से सेट हो गया है। तो इसको हम इस तरह से हाथों से एक बार अच्छे से मिला लेंगे। और इसके बाद अब हम इस डो में से एक छोटे साइज के लोई तोड़ेंगे, एक नींबू के साइज के जितना बड़ा, और इसको हम हथेली पर रखेंगे घुमाते हुए। इस तरह से इसको हम पेड़ा के शेप देंगे, ये देखिए इस तरह से। और अब हम इसको एक चकले के ऊपर रखेंगे और इसको बेल लेंगे। जैसे हम नॉर्मल पूरी बेलते हैं ना, उसी तरह से बेल लेना है। और इसका थिकनेस भी पूरी के जितना ही रखना है। तो ये देखिए, यहाँ पर इसको हम बेल लिए हैं और इसका थिकनेस मैं दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं पूरी के जितना ही रखे हैं। तो अब हम यहाँ पर जो स्टफिंग बनाए थे ना, उसमें से 2 से 3 चम्मच स्टफिंग इस पूरी के ऊपर इस तरह से रख लेंगे। और इसके बाद अब हम इसके किनारे को पूरी को इस तरह से पकड़ते हुए एक जगह ले आएंगे।
ये देखिए इसका इस तरह से प्लेट बनाते हुए एक जगह इकट्ठा कर लेना है और इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको तोड़कर हटा देंगे और इस तरह से इसको दबाते हुए लॉक कर देंगे। जैसे हम कचौड़ी बनाते हैं ना उस तरह से इसको तैयार करना है। और ये देखिए बहुत ही प्यारा सा ये शेप इसका आ गया है और जैसे नॉर्मल हम आटे से बनाते हैं ना उस तरह से बिल्कुल ही दिख रहा है, यानी कि बहुत ही अच्छे से बना है। तो इसी तरह से बाकी सभी नाश्ता को बना लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर सभी नाश्ता को हम बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप चाहे तो इसे एयर फ्राई कर सकते हैं या सेलो फ्राई भी कर सकते हैं। मैं इसे डीप फ्राई करूंगी इसलिए गैस पर एक कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए पहले से रख दिए थे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो इस नाश्ता को हम एक एक करके सावधानी से इस तेल में डाल देंगे। जितना तेल में एक बार में आ सकता है उतना डाल लेना है। और हाँ, डालते ही इसको नहीं पलटेंगे, डालने के थोड़ी देर बाद एक एक करके पलट लेंगे और इसी तरह से इसको पलटते पलटते हुए सभी साइड गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। गैस के फ्लेम मीडियम रखेंगे, हाई नहीं रखेंगे। और ये देखिए यहाँ पर इसमें गोल्डन कलर आ गया है तो इसको हम एक स्टेनर में निकाल लिए हैं और इसी तरह से बाकी सभी नाश्ता को बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।